हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड नक्स। सो आज है डेट 19th of December एंड आज है बड़ा कॉन्सर्ट वायूम फेस्ट। सो अभी चालू होने वाला है, 11 से 12 के बीच में चालू हो जाएगा। तो मैं कल यहीं पे सो गया था आके, कॉज थक गया था। कल पूरा प्रिपरेशन पार्ट कवर किया, व्लॉग्स में आप लोग देखे होंगे जैसे कि। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद बिना फ्रेश हुए भी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना? ओए बता दो कमेंट में। तो अभी जाऊंगा बाहर एंड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जो थोड़ा बहुत बाकी था वो भी देखूंगा। एंड उसके बाद जब फेस्टिवल स्टार्ट होगा, फेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप लोग को भी दिखाऊंगा। एंड लोकल बैंड्स आ रहे हैं आज, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ा आने वाला है। लैंग्वेज थोड़ा बहुत, जैसे मणिपुरी तो उतना ही नहीं समझ में आता है, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा सीखने का मणिपुरी। तो चलो मिलते हैं। तो धूप निकल चुकी है गाइस, मौसम अच्छा है। तो अभी कल तो रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड था, पूरा गीला हो गया है फिर से। मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा गीला हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। कल रात को 6 डिग्री टेम्परेचर था, पूरा गीला है मेरा हाथ। एंड मेरा कल यहीं पे कैंप पिच था एंड बाकी रात में हो गया है यहाँ सब पिच कैंप। तो चलो अभी फ्रेश होते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हैज़ कम टू ओपन द सेरेमोनी फॉर द इवेंट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन अराउंड द कैंपस, अराउंड द वायूम इको रिजॉर्ट to kindly come down here near the stage and be a part of this opening ceremony. सो गाइस अभी फेस्टिवल स्टार्ट है, इनोग्रेशन हो रहा है एंड रिबन कट प्रोग्राम होने वाला है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ऐसे ही आ चुका हूँ यहाँ पे। तो रिबन कट प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। Wish Wayum Festival success. आपको जो मैंने दिखाया था अभी इनोग्रेशन पार्ट था, तो वो सर आए थे टूरिज्म डिपार्टमेंट से, वो सर थे, तो वो चले गए अभी। एंड अभी स्टिल प्रिपरेशन चल रहा है, बिकॉज एज यू नो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है प्रिपरेशन में। अभी टाइम हो रहा है 11:30 भी हो रहा है, बज रहा है। सो प्रिपरेशन अभी स्टिल स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। सो मैं दिखाता हूँ, अभी तक मैं अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ। ब्रेकफास्ट डन है बट फ्रेश नहीं हुआ, अभी जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा उसके बाद ही आऊँगा, बिकॉज अच्छा भी तो दिखना है फेस्टिवल में। तो चलो मिलते हैं अभी डायरेक्ट फेस्टिवल में। सो गाइस फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 3 एंड फेस्टिवल को स्टार्ट होने में मतलब 1 बजे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन थोड़ा डिले के चलते फेस्टिवल अभी हो रहा है। सो एज यू कैन सी अभी बहुत कुछ है देखने को, तो मैं आगे जाऊंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा। शॉप्स रेडी हो चुके हैं सारे, तो चलो दिखाते हैं, मिलते हैं। नीचे से ऊपर आया हूँ, तो यहाँ पे आर्ट इंस्टॉलेशन लगा हुआ है। तो ये फेस्टिवल आर्ट एंड म्यूजिक का है, तो एज यू कैन सी यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स एंड ऑल देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक पेंटिंग्स एंड ऑल। एंड यू कैन सी दिस शूज, अभी मेरे को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि क्या यहाँ पे एक्चुअली थीम बेस्ड है। ऐसा पता है कि आर्ट आर्ट ये थीम है, बट किसी को बुलाते हैं एंड उसे बात करते हैं इसके बारे में। अभी मैं मिला हूँ एक मेरे फ्रेंड से जिनका नाम डेविड है, तो उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। हाय डेविड। हाय। सो डेविड, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस आर्ट इंस्टॉलेशन, अबाउट दिस? या दिस आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल कंडक्टेड बाय योम इको रिसोर्ट एंड Wayumiko Resort, yeah. Na, and Mai Kangla, and this is the largest music festival, and this art installation is a part of the show. ये
आर्ट इंस्टॉलेशन ये पार्ट है इस वायूम फेस्ट का एंड दिस फेस्ट इज ऑर्गेनाइज बाय वायूम एंड माई कमला वायूम एंड माई कमला ये फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड ये यहाँ पे पूरा आर्ट स्टॉल लगा हुआ है. तो डेविड भाई आप यहाँ पे ओनर होगा. ओके सो डेविड भाई जैसे एग्जीबिटर है तो डेविड यू कैन टेल मी अबाउट द पेंटिंग्स एंड ऑल व्हाट किस चीज़ से ये बना हुआ है पेंटिंग. So mainly these artworks are done by self-taught artists from around the town. Okay, so ये जितने भी भाई लोग आर्ट देख रहे हो तो ये आर्ट जो बना हुआ है जो लोकल पीपल से बना हुआ है ना मणिपुरी लोकल पीपल से ये सब आर्ट बना हुआ है. Mainly students. Okay. So students ने जिन्हें जितना आर्ट वर्क आप देख रहे हो तो ये सब students के द्वारा बनाया गया है. And what about the shoes? Yeah, shoes. I don't actually know the person, but it is one of our friends. So it's like made up of all the woods, particular. This one is paper. This one is paper. Some medium or acrylic, some are oil, some are graphite. How much the price depends? It depends on the size or. Yeah, it depends on the size and then the quality. Like the medium too. Okay. So some could be very high. Some oil painting are high. But actually, this is not. We are not coming here for sale. Okay. We're just coming here to showcase. Okay. So ये जो painting देख रहे हो ये sell के लिए नहीं है. Yeah. If people want to buy it, then we can give them. But the problem is that सो भाई लोग एक बात पता चला है कि जितने सारे पेंटिंग्स देख रहे हो तो ये सेल के लिए नहीं है ऐसे तो बट इफ विजिटर अब हम लोग को चाहिए जैसे सपोज मेरे को चाहिए होगा तो वी कैन परचेज थ्रू दिस. बहुत ही बेहतरीन ऑसम पेंटिंग है. थैंक यू सो मच डेविड फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. सो गाइस ये जो आर्ट देख रहे हो तो ये डेविड भाई ने बनाया है पेंसिल से. कैसे बनाया आपने? या ओनली पेंसिल लाइक एनी 2BH एंड समथिंग डिफरेंट. ये डेविड भाई का आर्ट है, ये आर्ट है एंड ये आर्ट है. यू आर अमेजिंग पर्सन यार. थैंक यू. नाइस वन. बहुत ही प्यारा लग रहा है. आप लोग कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है पेंटिंग. ये तीनों डेविड भाई ने बनाया है पेंटिंग. सो ये जो शूज देख रहे हो, शूज तो बना नहीं है बट ये जो पेंटिंग्स देख रहे हो शूज पे तो ये डिजाइंड है पेंटिंग्स. ये पेंटिंग्स दिस वन, ये सब सारे जो देख रहे हो ये सारे डिजाइन है, हैंडमेड है डिजाइन. सो गाइस ये था आर्ट एग्जीबिशन एंड आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं. एंड यू नो व्हाट, आपको पता है मैं क्या, ये देखो मेरे मतलब बैच मिल रहा है एंड अभी आगे चल रहे हैं. ये बैच है ऑल एक्सेस दैट 2 डेज मैं यहाँ पे स्पेंड करने वाला हूँ तो 2 डेज का बैच है एंड आगे भी है उतना सारा जो देख रहे हो वो सब चीज़. तो वो भी स्टॉल लगा हुआ है, आइए चलते हैं उनसे भी बात करते हैं. सो मैं KH स्टॉल पे आया हूँ एंड यहाँ पे एक ये चीज़ देखने को मिला है मेरे को, मेड अप ऑफ वुड. सो ये किस चीज़ का बनता है जैसे? नॉट वुड बट इट्स अ ग्रास. ग्रास, ओके. सो ये चीज़ जो देख रहे हो आप लोग इस जितने भी चीज़ तो ये मेड अप ऑफ ग्रासेस है. हेलो, योर नेम? चार्ल्स. नाइस टू मीट यू चार्ल्स. And you? I'm Rinku. Rinku. Yeah. So how much the price is like? Iske price kitne honge? Like 650. 650. Yeah. So any discount? So all are like varies from the size only. Yeah. तो ये जितने भी चीज़ देख रहे हो जितने भी साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं प्राइस पे आप. तो बहुत ही प्यारे हैं यार. गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी तो उसको देना था. In Manipuri we call it kauna. Kauna? Yeah, kauna. अच्छा इसको? Yeah. तो ये जो चीज़ देख रहे हो इसको मणिपुरी में कौना बोलते हैं. कौना? कौना. All the things are like kauna. Yeah, all the things are kauna. Kauna. Kauna means basket. Kauna means that name of that grass. Grass. Oh, yeah. Okay. It's a tall one where that grass, from that grass people make broom. Okay, broom. Broom. People make carpet, and then this is one of the product. तो ये जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो ये एक ग्रास से बने हैं एंड इस सारी चीज़ को नाम दिया गया है कौना के नाम से जाना जाता है. काफ़ी प्यारा है यार, इंटरेस्टिंग. फर्स्ट
टाइम ये बेस्ट है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. लाइक हॉर्नबिल जैसा था वैसा ही कॉन्सर्ट है. लोकल बैंड्स है एंड ऑल है, तो बहुत कुछ है देखने को. इधर देख सकते हो आप लोग कि पूरा फूड स्टॉल लगा हुआ है, चिकन एंड ऑल. तो अभी यहाँ चिकन स्टॉल्स एंड ऑल कुछ लगा हुआ है एंड उधर भी है फूड स्टॉल. तो टोटल यहाँ पे 7 स्टॉल्स हैं एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है. लाइक सेल आउट भी हो रहा है प्रोडक्ट. फूड्स के थीम है यहाँ पे फूड्स का. तो खाने पीने का चीज़ तो थोड़ा एक्सपेंसिव. भाई दारू दिखाओ भाई, दारू. बहुत सारे लोग दारू के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो भाई दारू का भी दिखाना पड़ता है ना. सो यहाँ पे लोकल बियर भी है, राइस बियर, जो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, बट यहाँ का अलग राइस बियर है. तो देखते हैं, लोकल बंदे से बात करते हैं एंड राइस बियर के बारे में जानेंगे एंड ये फेस्ट हो रहा है जो उसके बारे में भी जानेंगे. आप लोग देख सकते हो सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है एंड आज सैटरडे है. तो सैटरडे तो आज है ही, लेकिन कल संडे है, तो कल भी पार्टी ज़बरदस्त होने वाला है. स्टे कनेक्टेड. सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये लोकल राइस बियर है. दिस इज अ बियर ना? यस. लोकल लाइक दिस इज अ डिफरेंट इन कलर राइस बियर. यस, इट्स डिफरेंट इन कलर. यस, दिस इज ब्लैक राइस. ब्लैक राइस? यस. ओके, ब्लैक राइस. ये पूरा गैलन भरा पड़ा है बियर से. ब्रो यू नीड टू बी टल्ली. सो गाइस अभी मैं आर्ट एग्जीबिशन में हूँ एंड यहाँ पे एक बहुत ही अनोखा चीज़ पता चला है. वो क्या, ये जो भैया बैठे हैं तो ये इनका स्केच बना रहे हैं एंड यू कैन सी ये बस 10 मिनट्स लेते हैं इस स्केच बनाने के लिए एंड देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनका. मतलब फर्स्ट टाइम मैं चेक करने वाला हूँ एंड सी. हर नेम इज रोनी. रोनी थैंक यू सो मच. अच्छा था, ये अच्छा बनाया आपने. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो ये था पिक्चर्स आर्ट था. तो भैया बनाते बहुत ही अच्छा पिक्चर. आपने जैसे देखा डिट्टो, मतलब बनाया है उन्होंने पिक्चर. सो इसके चार्ज है 100 रुपीज़. तो चलो अभी नीचे चलते हैं, फेस्टिवल स्टार्ट है एंड चलो एक्सप्लोर करते हैं. दिल रिश्ते कनेक्ट. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. कैसा लगा कमेंट में बताओ. और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी एंड आप लोग को बताओ मज़ा आया तो कमेंट में बताना. सो आज है फर्स्ट डे एंड कल है दूसरा दिन, तो कल भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. एंड कल मैंने अभी तक कवर नहीं किया स्टॉल्स एंड फूड स्टॉल क्या लगे हैं एंड कुछ सामान भी बिक रहा है बूट्स का, तो वो भी कल कवर करना है कल वाली वीडियो में. तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, बाय बाय. एंड अभी भी देख सकते हो क्राउडेड बहुत ज़्यादा आज आया है एंड क्राउडेड फुल मूड में है. मतलब पूरा हैंगओवर एंजॉय कर रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड एज यू नो, मतलब मैं पीता उतर तो कुछ नहीं हूँ, तो ऐसे ही मतलब शांत बैठा था. तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ कैम में सोने एंड उसके बाद कल मिलते हैं आप लोग से. सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट.